उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौसम चुनावी है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रखी है। चाहे वो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी बड़े चेहरे इस वक्त जोरदार रैलियां कर रहे हैं और जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात पहुंचे, जहाँ उन्होंने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए सीधे तमंचे की बात करने लगे। क्या कुछ बोल रहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए। मोदी से पूछो क्या शहरों में कूड़ा है, तो वो कहते तमंचा। उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है, तो वो कहते तमंचा। उनसे कहो कि नौजवान आज रोजगार है, तो कहते तमंचा। उनसे अगर कोई सवाल पूछ लोगे तो केवल तमंचा बोलेंगे और कहते हैं कि माफिया है, गुंडे हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लो, हमारे प्रत्याशियों का रिकॉर्ड देख लो, किसी ने मुकदमा वापस नहीं लिया है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस न लिए होते तो इतनी लंबी सूची थी उनके मुकदमों की। सुना आपने, कानपुर देहात में जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछ लो कि शहर में कूड़ा है तो कहते हैं तमंचा, उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं है तो कहते हैं तमंचा, उनसे कहो कि नौजवान बेरोजगार हैं तो कहते हैं तमंचा, उनसे कोई सवाल पूछो तो केवल तमंचा बोलेंगे।